कैसे हो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेके चला आया हूँ। आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप आपका स्टेट बैंक का इनो एप्लीकेशन से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करेंगे। माने आपका जो पैसा है कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे आप इनो एप्लीकेशन से। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे आप इनो एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर करेंगे। आप लास्ट ऑफ द इस वीडियो को देखिए, जान सकेंगे कैसे आप इन एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर करेंगे दूसरे अकाउंट में। चलिए शुरू करते हो। पहले आपको आपका जो इनो एप्लीकेशन उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा जो इनो एप्लीकेशन मैं उसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि न्यू अपडेट न्यू वर्जन आया। तो देखिए मेरा यहाँ पर लॉगिन दिखा रहा है, मैं लॉगिन में जाके मेरा यहाँ पर जो एंटर एम पिन सिलेक्ट करके रखा हूँ मैं उसको दे दूँगा। आप लोगों यहाँ पर एम पिन सिलेक्ट कर देंगे, देने के बाद ऑटोमेटिक आपका मोबाइल में ये नया एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर व्यू बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर आपका जो बैलेंस वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका अकाउंट अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ पर आपका बैलेंस आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट नंबर में, तो आपका अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पर आप फुल स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकेंगे। तो मैं तो यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं देखूँगा, मैं यहाँ से आपको यहाँ पे बैक नहीं करना पड़ेगा। बैक करेंगे तो आप फिर से आपको एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से बैक करना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ से आप बैक कर देंगे, उसके बाद देखिए इनो पे लिखा हुआ है ये, इधर इनो पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट दिखा रहा है। मैं इधर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद देखिए ये इधर लिखा हुआ है नीचे पे ए न्यू का, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ से आप प्रोफाइल पासवर्ड दे देंगे। प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट में आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दिखा है SBI आपका अकाउंट है, तो आप SBI सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स बैंक है तो आपको बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं अदर्स बैंक सिलेक्ट कर देता हूँ। आपका बैंक का अकाउंट नंबर ऊपर नीचे, फिर से आप जो ऊपर में अकाउंट नंबर देंगे वो भी आपको नीचे देना पड़ेगा। देने के बाद देखिए यहाँ पर IFSC कोड नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको IFSC कोड नंबर दिखा रहा है, और मैक्सिमम लिमिट आप कितना सिलेक्ट करना चाहते हैं उस लिमिट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए निक नेम, आपको यहाँ पर निक नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दे देता हूँ। यहाँ से आपको सब कुछ सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा, जिस अकाउंट में आप भेजेंगे नीचे आपका मेन जो अकाउंट है उसको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर अमाउंट लिखा है, इसका यहाँ पर आपको अमाउंट देना पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ भी आप लिख के पे कर देंगे तो आप बैलेंस मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आप सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखिए पे लिखा हुआ है, पे पे क्लिक कर दीजिएगा। देने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा, कितना बैलेंस भेज रहा है यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए टिक दिखा है, टिक दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉन्फर्म लिखा हुआ है, आप कॉन्फर्म में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका मोबाइल में एक नया अपडेट आया। पहले आपको प्रोफाइल पासवर्ड देना पड़ता है, आप OTP ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट में आप क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा और वेट करेंगे तो देखिए आपका अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर होगा, तो मुझे
फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब कम होगा, आप अपना इनो से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं बॉस की। फिर देखिए मैं फिर से अब 25,000 सेलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद पे में क्लिक किया, उसके बाद देखिए फिर से वही पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको फिर से राइट कर देना पड़ेगा। अब आपका अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में जाएगा उसको अच्छे से देख लेना। अब आप नीचे देखिए आपका जिस अकाउंट से बैलेंस कटेगा उस अकाउंट को दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंफर्म लिखा हुआ है, कंफर्म में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल में जो बैंक में रजिस्ट्रेशन है उस मोबाइल रिकॉर्ड भी आएगा, और आपका इस मोबाइल में होना चाहिए ऑटोमेटिक। आपका ओटीपी ऊपर में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट नीचे लिखा हुआ है, सबमिट में क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए अगर सक्सेसफुल बैलेंस आपका बैलेंस कितना है, नीचे ऊपर कितना काटा ये दिखा देगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इन एप्लीकेशन पे ऑनलाइन नेट बैंकिंग से। तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से।